कहते हैं अगर किसी भी व्यक्ति के पास राजनीतिक दल का पद हो और उसकी केंद्र और राज्य में सरकार हो तो रुतबा और भी बढ़ जाता है। शायद यही वजह है कि सत्ता की हनक में वो अपने पद और रुतबे का गलत इस्तेमाल कर उल्टे सीधे कार्य करने से भी गुरेज नहीं करता है। लेकिन ये फरेब ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, एक ना एक दिन उसका भंडाफोड़ हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही कारनामा कानपुर के विष्णु बाबू दिवाकर ने करता दिखाया है। उसने किसी से सरकारी ठेका तो किसी को नौकरी या फिर किसी से भूमि दिलाने के नाम पर ठगी की। पिछले दिनों इस शख्स ने सरकारी ठेके दिलाने का झांसा देकर मेरठ की नेता पूजा बंसल से 50 लाख रुपये हड़प लिए। पूजा के अन्य कई लोगों को भी ठगा, लेकिन पिछले दिनों करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपित विष्णु बाबू दिवाकर को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना दिया। हालांकि शिकायत पर पार्टी ने उसका नाम हटाकर नई कार्य समिति घोषित कर दी गई। आपको बता दें कि सचेंडी की सीढ़ी इटारा निवासी विष्णु बाबू दिवाकर के खिलाफ मेरठ के शास्त्री नगर निवासी भाजपा नेता पूजा बंसल ने 50 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सचेंडी थाने में जुलाई माह में मुकदमा लिखाया था। पूजा ने बताया था कि 3 वर्ष पूर्व विष्णु बाबू ने खुद को RSS का राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बताते हुए पार्टी में उच्च पद दिलाने का झांसा देकर रकम ली थी। यही नहीं, पूजा के अलावा गोरखपुर की शिक्षिका, मेरठ की एक भाजपा कार्यकर्ता, कानपुर देहात व इटावा आदि स्थानों में महिलाओं व पुरुषों ने भी ADG जोन से शिकायत की थी। किसी ने नौकरी तो किसी ने भूमि दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। मेरठ की महिला की शिकायत पर वहां मुकदमा भी लिखा गया। हालांकि पुलिस आरोपित को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस बीच भाजपा नेताओं को गुमराह कर आरोपित विष्णु बापू 6 सितंबर को भाजपा की उत्तर प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की कमेटी में कानपुर देहात से प्रदेश कार्य समिति सदस्य बन गया। सूची में शामिल 27 लोगों में आखिरी नाम विष्णु बाबू का लिखा देख पूजा बंसल ने पार्टी के बड़े नेताओं से शिकायत की। इसके बाद पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने भी नाराजगी जताई। तब शुक्रवार को उसका नाम सूची से हटाया गया। उधर भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने कहा कि गलती से विष्णु बाबू का नाम अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में चला गया था, उसे संशोधित कर नई कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। अब क्षेत्र के अन्य चैनलों के जोर से बड़ा अब क्षेत्र के चैनल जगत से कई गुना बड़ा 7.5 मिलियन दर्शकों के ग्रुप में इकलौता न्यूज चैनल। अब क्षेत्र के दर्शकों ने बनाया आई इंडिया को नंबर 1 न्यूज चैनल। गूगल ने भी दी आई इंडिया को 5-स्टार रेटिंग। खबर का मतलब आई इंडिया।